नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शुक्र का अलग अलग भाव में क्या परिणाम रहता है यानी वीनस इन डिफरेंट हाउसेस, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रार्थना। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देव महेश्वर गुरुवर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी धानी शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संसुधा नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र जो कारक है या कह सकते हैं शुक्र ग्रह जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसका आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में यानी आज के इस काल में हम सबसे ज्यादा लाभकारी ग्रह मानते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा लाभकारी ग्रह जो आशीर्वाद की फॉर्म में है लोग गुरु को मानते हैं, लेकिन आज के इस जीवन के जरूरतों को पूरा करने के लिए या आप कह सकते हो हर किसी की भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक गेम्स की प्राप्ति करने की चाह रहती है या विलासिता के साथ वो जीवन को जीना चाहता है, और ये सब चीजें जो शुक्र से मिलती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन अगर आज के समय में हमें माना जाए तो हम शुक्र ग्रह को जीवन जीने के लिए सबसे अधिक लाभकारी ग्रह मानते हैं। यह जातक को सभी मेटेरियलिस्टिक गेन यानी भौतिकवादी लाभ और विलासिता की वस्तुएं प्रदान करता है। ये रहा इसका एक छोटा सा कारण। अब अगर हम ये जाने कि वीनस ग्रह को हम लव के लिए, रोमांस के लिए, सेक्स के लिए, ब्यूटी के लिए, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए या रिक्रिएशन जितनी भी सोर्सेज से हमें मिलता है उन सब के लिए अगर हम इसको लें तो हम कह सकते हैं कि वीनस जो है वो अट्रैक्शन, लव, वेल्थ, नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी यानी हमें सब इन सब चीजों के लिए वीनस की बहुत हमें जरूरत पड़ती है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि वीनस ग्रह से हमें कौन कौन से प्रोफेशन मिल सकते हैं या देखते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड, रेस्टोरेंट, होटल, टूर्स एंड ट्रेवल, म्यूजिक, थिएटर, पोएट्री, लिटरेचर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ आप सेक्स इंडस्ट्री को भी वीनस से देख सकते हैं। एक्टर, एक्ट्रेसेस, ब्यूटी, ग्लैमर और ज्वेलरी की जो चीजें हैं या ज्वेलरी इटसेल्फ, बिजनेस जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो बेसिकली कॉस्मेटिक शॉप्स, कॉस्मेटिक अदर आइटम्स, एस्ट्रोलॉजी, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी एंड अदर क्रिएटिव वर्क भी हम वीनस से देख सकते हैं। शादी के बाद मिलने वाला सुख यानी मैरिड लाइफ प्लेजर्स या लग्जरी जो बंदा इंजॉय करता है, उन सब को भी हम चार्ट में शुक्र कहाँ बहता है उसके हिसाब से या किस भाव में बैठा है हम देख सकते हैं। अगर वीनस वहां पर ठीक मजबूत स्थिति में नहीं बैठा है तो जातक को यानी अपनी मैरिड लाइफ के जो प्लेजर्स हैं या जो लग्जरी है उनमें कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी। अब वो कैसे कमी होगी, जैसे कि फिजिकल अपील में होगी या अमिकेबल बिहेवियर में होगी और या टेंडेंसी टू फेलियर जो आप कह सकते हैं लव और मैरिड लाइफ में, इन सब चीजों से देख सकते हैं। शुक्र बेसिकली आपको बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा पीना यानी आप कह सकते हैं गुड फूड एंड ड्रिंक, ज्वेलरी, पेंटिंग, एक्सपेंसिव कार्स और हम ये कह सकते हैं शुक्र को अगर हम बॉडी पार्ट से देखें, आई, नोज, चिन, थ्रोट, सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो वो सब चीजें भी हम शुक्र से देख सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि शुक्र जो है वो एक्सीलेंट रिजल्ट किन भाव में दे सकता है,
शुक्र अगर दूसरे तीसरे चौथे सातवें और बारहवें भाव में बैठा हो तो कंपैरेटिवली सुख सुविधाएं इस प्रकार की जो शुक्र से संबंधित है उनको बहुत ज्यादा देता है। इनमें भी कमियां हो सकती हैं अगर उसके ऊपर मैलिफिक इफेक्ट हो, बट ये यहाँ शुक्र अपने आप को दूसरे तीसरे चौथे सातवें बारहवें भाव में अच्छा फील करता है। इंडिविजुअल जातक के लिए, आई एम नॉट सेइंग अबाउट की रिलेशन के लिए, बट इंडिविजुअल जातक के लिए वो अच्छा फील करता है। हाउएवर यानी कि फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ हाउस भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो यहाँ पर वो इतना अच्छी स्थिति नहीं है शुक्र के लिए। यहाँ पर ये रिजल्ट तो अच्छा देता है, बट ये कह सकते हैं कि अगर ये छः एक छः नौ में बैठा हो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट की तरफ लेके जाता है। अगर इसके अलावा देखें कि शुक्र कहाँ अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अगर शुक्र किसी भी राशि में, यानी किस राशि में, बुध की राशि में, शनि की राशि में और केतु के घर में बैठा हो, तो यानी केतु का अगर हम सोल और मान लें आठ नंबर, तो वहां पर ये अच्छा, स्कॉर्पियो में, तो वहां पे ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों अब मैं आगे चलकर आपको शुक्र पहले भाव से लेकर शुक्र बारहवें भाव में क्या रिजल्ट दे सकता है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, बहुत जल्दी जल्दी मेरे जो पांच कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई मार्केटिंग का जरिया नहीं है और मैंने अपनी वीडियो के बीच में ही उनको डालना शुरू कर दिया है। तो पहला कोर्स भृगु नंदी नाड़ी का जो 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंटेंट के लिए फीडबैक देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर उन्नति अस्तवाला पे। दूसरा कोर्स न्यूमरोलॉजी का है, इसकी भी फीडबैक देख सकते हैं, ये कंटेंट यहाँ पर मेंशन है, ये 7 तारीख से यानी थर्सडे से स्टार्ट होगा। तीसरा कोर्स खेती एस्ट्रोलॉजी का है, ये भी 7 तारीख से स्टार्ट होगा, बट ये न्यूमरोलॉजी से आधा पौना घंटे पहले इसकी क्लास, यानी 1.5 घंटा पहले इसकी क्लास का शेड्यूल है और कंटेंट यहाँ लिखे हुए हैं। जो चौथा कोर्स है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, जो शनिवार एतवार को ही पढ़ाया जाएगा, इसके मॉर्निंग और इवनिंग सेशन है इंग्लिश बैच और हिंदी बैच के हिसाब से। आप इनके बारे में भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए फोन नंबर दिए गए हैं या ईमेल लिख सकते हैं, फीस भी मैंने यहाँ मेंशन की है। फिर भी आप अगर कोई और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके या हमसे फोन करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऑफिस असिस्टेंट नहीं है, मैं जो काम करता हूँ वो खुद ही करता हूँ सारा, इसलिए मेरे पास बड़े लिमिटेड स्टूडेंट्स और लिमिटेड ही मैं अपने हिसाब से नॉलेज ट्रांसफर करने का रूल बनाया हुआ है। इससे अगला जो कोर्स है वो एक ओपन कोर्स है, जब इसमें मिनिमम 5 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ये थ्रू आउट ईयर में कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो इसके लिए या मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। ये बेसिकली शादी के लिए कुंडली मिलान और पर्सनल कुंडली के साथ मिला के एक हाइब्रिड कोर्स आप कर सकते हैं, बट इसके साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी मैं एक कम्प्लीमेंट्री देता हूँ। तो कंटेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फीस इसकी 11,000 के फिक्स है, तो ये जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको और यही कहूँगा कि भाई आप मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट जरूर लिखें जो भी मैं आपसे बता रहा हूं। अगर वो गलत है तो आप उनके बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं और कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब शुक्र का अलग अलग भाव में क्या रिजल्ट रहेगा ये देखते हैं। देखिए जैसा आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, प्रथम भाव से हम ये देखते हैं कि जातक की अपीयरेंस क्या होगी, उसकी सेहत कैसी होगी, उसका करेक्टर कैसा होगा, उसका टेम्परामेंट कैसा होगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस होंगी। अगर शुक्र यहाँ पहले भाव में बैठा हो तो जातक ऑब्वियस, क्योंकि वो शुक्र वहां पर बैठा हुआ है और वो उन सब चीजों का कारक है, तो उसकी बॉडी को ही मिलेंगी वो चीजें, तो जातक सुंदर होगा, उसके सुंदर नेत्र होंगे, चेहरा उसका सुंदर होगा, शरीर उसका यानी जो दूरबल है वो सुंदर होगा, वह हमेशा सुखी रहेगा, वृद्ध आयु रहेगा यानी वृद्ध जीवी होगा, स्त्रियों के लिए आकर्षण का कारण हो सकता है, वो इतना सुंदर होगा उसको स्त्रियां देखकर पसंद कर सकती हैं, क्योंकि अपोजिट जो हाउस है वो अगर नेगेटिव हो है तो उसके अपोजिट सच वालों का होता है।
इसका मतलब वहां पर उससे अपोजिट सेक्स वाले उससे आकर्षित हो सकते हैं। परंतु ऐसे जातक में मैंने देखा है कभी कभी कॉन्फिडेंस और कर्ज की कमी हो सकती है, यानी जो कर्ज जो कहते हैं पराक्रम की कमी हो सकती है, या आप कह सकते हो जिसको टीमेड इंग्लिश में बोलते हैं, यानी थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि वो डरपोक टाइप का या डिसीजन लेने में थोड़ा लेजीपन दिखा सकता है। ऐसे जातक के मैंने देखे हैं भी करली हो सकते हैं। पहला भाव जातक को डिस्क्राइब करता है ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस और इसकी अप्रोच टूवर्ड्स अदर्स, तो ये सब चीजों को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जातक की जो करेक्टरिस्टिक होंगी वो चार्मिंग होंगी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी उसकी। पर ऐसा भी देखा गया है जिंदगी के मजे लेने के लिए कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों का समय पे पूरा या कह सकते हैं कि निर्वाह या जिम्मेदारियों को समय पर पूरा नहीं कर पाता या उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता है। शुक्र का दूसरे भाव में बैठा हो तो क्या रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा भाव देखिए फैमिली का है, वो हमारे खाने पीने का भी है, हमारे फाइनेंसिस का भी है। तो अगर शुक्र यहाँ दूसरे भाव में बैठा होगा तो आप कह सकते हैं कि शुक्र अगर दूसरे भाव में हो तो जातक को अबेंडेंट खाना पीना आप धन जो भी है, अबेंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में यानी अत्यधिक मात्रा में उसको मिलता है। खाना पीना भी उसको पूरा लग्जरी वाला ही आप कह सकते मिल सकता है। उसको उत्कृष्ट सुख प्राप्त करेगा, अच्छी वाणी से संपन्न होगा और वो धन अर्जित करेगा। ऐसा जाता कभी कभी अच्छी पोएट्री भी करता है। द्वितीय भाव का शुक्र यानी अगर वो द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो अपोजिट हाउस को देखेंगे तो उसका जो सीनियर पार्टनर है यानी पार्टनर की अगर हम देखें तो इसके कुछ लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकता है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन किस फॉर्म में होगी, अगर मान लीजिए फीमेल का चार्ट है तो इसका अपोजिट हाउस मेल होगा, तो मेल को हम कह सकते हैं इसको कुछ सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड या प्राइवेट पार्ट से उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीमेल अगर मेल का चार्ट है तो फीमेल अगर आप उससे देख रहे हैं उसके पार्टनर को तो उसको कुछ गायनेकोलॉजिक जो या गायनेको की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हो सकती है। तब ये 100% नहीं है, तब ये प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठा होगा तो अष्टम भाव हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है। या आप कह सकते हैं कि अगर ये सब नहीं हो रहे तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पाउस है वो एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता होगा। और ऐसा जातक मैंने देखा है कभी कभी एक से ज्यादा संबंध भी बना देता है, यानी अपोजिट सेक्स वालों के साथ संबंध बना सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी बट ऐसा कभी कभी देखा गया है अगर उसके कुछ मेलेफिक इफेक्ट हो और कोई पॉजिटिव इफेक्ट ना हो। तीसरे भाव में अगर हम देखें, तीसरा भाव पराक्रम का है। यहाँ पर तीसरे भाव में पराक्रम में अगर शुक्र बैठ जाए तो समझ लीजिए क्या होगा। यहाँ पर कुछ मेलेफिक प्लैनेट बंदे को ज्यादा मेहनत कराएंगे और जो बेनिफिक प्लैनेट है उसको तो आराम की चीजें दिलवाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं यदि जन्म के समय शुक्र तीसरे भाव में हो तो जातक कंजूस अलर्ट प्रिय यानी वो इतना ज्यादा नहीं होगा, प्रिय नहीं होगा, उसके पास धन या सुख और पत्नी से आप उसके सुख में कमी कह सकते हैं। परंतु अगर ये पार्क गार्डन कैफे में विजिट करते रहें तो ये रेमेडी की फॉर्म में भी है। जहाँ पे भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है या डिफिकल्ट चीज आती है, मैं अपने वीडियो में चाहे वो कोर्स का हो चाहे मैं यूट्यूब पे अपने दर्शकों के लिए डालता हूँ तो वहां पर उनको ये जरूर बता देता हूँ कि भी अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो इस चीज को अगर हम ठीक करेंगे तो इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। ठीक कैसे करेंगे, हम उसको रेमेडी की फॉर्म में कर सकते हैं। ऐसा जातक जिसका शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो उसको पार्क में जरूर जाना चाहिए, गार्डन में जरूर जाना चाहिए और कभी कभी कैफे में भी जाकर विजिट करता रहना चाहिए, उसका शुक्र अच्छा हो जाता है। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी, पोएट्री भी बढ़ती रहेगी यानी लिटरेचर में इनका उपयोग भी बढ़ता रहेगा। ऐसा करने से इसका उपयोग करने के लिए आप ये कह सकते हैं इनको दूसरों की मदद भी करती रहनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी इनको अपने पार्टनर की भी इनको जरूरत, बेसिकली जो है अपना पार्टनर जो है वो सुनने वाला चाहिए। अगर इनका पार्टनर इनकी नहीं सुनता होगा तो ये जल्दी एग्रेसिव हो जाते होंगे और इनको फिर थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। यदि शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो जातक आप कह सकते हैं कि अपने संबंधियों मित्रों और सुखों से युक्त होगा, यानी उसको ये सब चीजें मिलेंगी। क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो हमारा कंफर्ट का है और कंफर्ट कहाँ से आता है, हमारे घर से आता है, हमारे संबंधियों से आता है, हमारे मित्रों से आता है।
ये सब भी चीजें उसकी वैभवशाली हो सकती हैं। घर बड़ा हो सकता है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, घर में रखा हुआ डेकोरेशन का सामान अच्छा हो सकता है और वो सुंदर हो, उसका घर होगा, वो धनवान व्यक्ति होगा, भाग्यवान होगा, ये सब चीजें उसको। और आप ये भी कह सकते हैं वो सेंट्स जो होते हैं, सुगंध वाले जो चीजें होती हैं या वस्त्र जो होते हैं, वो भी अच्छे वाली क्वालिटी के पहनता होगा। ऐसे जातक का बचपन हमेशा यादगार अच्छे लम्बे के साथ दिखता है, यानी जब वो बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, जाता है जातक, तो उसको हमेशा अपने बचपन की चीजें हमेशा पॉजिटिव वे में याद रहती हैं। ऐसा जातक वंडरफुल होस्ट भी होता है, यानी उसके घर पर ही आए तो दूसरों के लिए बहुत अच्छा लग्जरी तरीके से उनको होस्ट करता है या चीजों को सर्व करता है। बट इनमें एक चीज देखी गई है कि ये जातक सीक्रेटिव होते हैं और इनको समझना बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि इनकी इनर की स्ट्रेंथ क्या है, हमें नहीं पता चलता। तब इनका सर्कल फ्रेंड्स का बड़ा हो सकता है जो इनके समय आने पे मदद भी करता है। तो इनका अपने पेरेंट्स के साथ भी मैंने देखा है, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हो तो जातकों का अपने पिता या अपनी माता के साथ संबंध भी अच्छा देखा गया। पंचम भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसा जातक मैंने देखा है, पंचम भाव में अगर किसी का शुक्र हो तो अगर शादी को 10 साल भी हो गए हों तो वो शादी के बाद चाहे वो लड़के का है चाहे लड़की का है, वो अपने स्पाउस को पहले जितना, पहले जैसे शादी पहले साल होती है, जितना ही प्यार करते हैं 10 साल बाद भी। तो ये अगर अगर देखा जाए मैरिड लाइफ के लिए और बंदा डिसिप्लिन की लाइफ जीता है तो एक हस्बैंड वाइफ के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है पंचम भाव की। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ मैलिफिक हो तो ये मल्टीपल चीजों की तरफ भी ले जाता है, इसलिए इस पर हमें ध्यान से ही इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। तो लेकिन अगर पंचम भाव में है तो हम ये कह सकते हैं पंचम भाव का शुक्र हमेशा सुखों से, मतलब जातक युक्त होता है, उसको सुख मिलते हैं, पुत्र और मित्रों से युक्त होता है, यानी ये सब भी चीजें मिलती हैं, बट वो यौन संबंधों का भी शौकीन होता है। अब वो यौन संबंध अगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट बैठा हुआ तो सिर्फ अपनी पत्नी या अपने पार्टनर के साथ, अगर मैलिफिक है तो वो वहां पर मल्टीपल भी ले जाता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला। ऐसा जातक बहुत संपन्न होता है, उसको हर चीजों का आनंद हर मिलता है। आप कह सकते हैं ऐसा जातक राजा के बराबर या मंत्री के बराबर या आप कह सकते हैं न्यायाधीश के बराबर होता है। ऐसा जातक अगर वो आप कह सकते हैं उसका मार्क तो सैटर्न जिसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसके चार्ट में, तो न्यायाधीश भी हो सकता है। तो ये रहा पंचम भाव का। पंचम भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा? अब देखिए शुक्र जो है छठे भाव में, मैंने बोला शुक्र जो छठे भाव में, पहले भाव में, छठे भाव में और नौवें भाव में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो इसके बारे में हम देखते हैं। यदि छठे भाव में शुक्र हो तो जातक अपनी पत्नी को बहुत नापसंद करता है। पहले पंचम भाव में वो बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन छठे भाव में वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं कर रहा। इसके अनेक शत्रुओं से ग्रस्त हो सकता है या वो बना लेता है, आप कह दीजिए शत्रु बना लेता है, और धन से भी रहित रहता है, धन की भी उसके पास इतनी अध्यात्मिकता नहीं रहती जितना शुक्र हमेशा देता है, और वो बहुत अधिक चौंकाता है लोगों को, अपने डिसीजन से बहुत चौंकाता है और मतलबी भी हो सकता है। ऐसा जाता कई युवा लड़कियों के साथ अवैध संबंध विकसित कर सकता है, मैं ये नहीं कर रहा करता है लेकिन कर सकता है, लेकिन उसको खुशी कहीं पे भी नहीं मिलती, ना घर में ना बाहर, अगर वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे। परंतु काम के प्रति बहुत लगाव होगा, इसके सहयोगी भी इसके काम की तारीफ करेंगे। इसका काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे क्रिएटिविटी आर्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या ये एज ए फिटनेस ट्रेनर या कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट की तरह काम कर सकता है, हेयर ड्रेसर का काम कर सकता है या डांस ट्रेनर हो सकता है। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो, यदि शुक्र सप्तम भाव में हो तो जातक विश्वास योग्य और सुंदर पत्नी का साथ पाता है, यानी सप्तम भाव में शुक्र, लोग कहते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र नाशकारो भाव भी उसमें लिखते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर सही तरीके से इसको यूज किया जाए तो उसको बहुत ही सुंदर और योग्य पत्नी मिलती है, वह धनवान और भाग्यवान होगा, परंतु बुरी स्त्रियों से उसकी साजिश हो सकती है, इसलिए उसको इन सब चीजों को देखना चाहिए। अब अगर हम ये देखें तो सप्तम भाव अगर बिजनेस का है पार्टनर के अलावा, तो अगर वो पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन करता है और पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है तो उसका जो पार्टनर होगा वो उसका दोस्त भी हो सकता है, और वो दोनों दोस्त मिलकर हमेशा जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं,
क्योंकि वर्किंग प्लेस पे उनका एटमोस्फेयर जो होगा वो बहुत ही प्लेजेंट होगा, तो इसलिए ये सप्तम भाव बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा है, तो मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती। अगर अष्टम भाव में यानी वीनस इन एट्थ हाउस, वीनस अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो लोग ये कहेंगे कि ये मैलेफिक हाउस है, यहाँ पर डेथ और रीबर्थ की बात होती है और यहाँ पर तो कोई भी प्लैनेट आता है तकरीबन अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, अगर शुक्र को अगर डिसिप्लिन तरीके से अगर वो जिस भी जातक पे बैठा हुआ है उसको लेता है तो वो उस जातक को बहुत ही यहाँ पर धन मिलता है, चाहे वो धन लॉस के थ्रू मिले या इनहेरिटेंस के लिए तरफ से मिले, उसको धन अचानक सड़क धन मिलने के योग हमेशा बने रहते हैं। दूसरी एक चीज देखी गई है कि ये जातक को कुछ इंस्टीट्यूट का या अपना कोई इंस्टीट्यूट खोल सकता है जहाँ पे आप कह सकते हैं उस इंस्टीट्यूट का स्वामी या उसका डायरेक्टर या अपने उसका ग्रो कर सकता है कि वो अपने से अपनी मेहनत से उस इंस्टीट्यूट को चला सकता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इसको आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है और फैमिली से भी इसको पैसा मिल जाता है जरूरत करने के टाइम। दूसरा अगर किसी को अगर मान लो बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है और अष्टम भाव के शुक्र वाले से दोस्ती कर ले और ठीक दोस्ती चलती रहे, अगर वो किसी चीज को ले ना क्लियरिटी के साथ वो चले तो देखिए लोन भी मिल जाएगा और रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और वो ग्रो भी करेगा जिससे दोनों पार्टनर ग्रो कर जाएंगे। ऐसे जातक के जो भाई बहन हो सकते हैं वो जो अब्रॉड में कह सकते हैं या बड़े लोगों से उनके कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ऐसे जातक के जो बच्चे हैं वो भी अमीर और लाइफ में अच्छा काम करते हैं। शुक्र अष्टम भाव में हो तो जातक दीर्घायु हो सकता है, अतुलनीय सुख मिल सकता है, यानी उसको जो प्लेजर मिलता है वो इनकम्पेरेबल, मतलब दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन उसको बहुत अच्छा सुख मिलता है। तो वो जमींदार टाइप का हो सकता है, धनवान हो सकता है, आप कह सकते हैं राजा के समान जिंदगी जीता होगा, तो उसको हर स्टेज पे कुछ ना कुछ छोटी ही खुशी हो हर स्टेज पे उसको खुशियां मिलती रहती हैं। शुक्र अगर नवम भाव में बैठा हो तो नवम भाव में फिर मैंने कहा 1-6-9 में शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन ये जातक को आप कह सकते हैं स्पॉटलेस एंड ब्रॉड फिजिक्स दे सकता है, फिजिक्स दे सकता है यानी चौड़ा शरीर दे सकता है बेदाग टाइप का। ऐसा जातक प्रोत्साहित हो सकता है, धनवान हो सकता है। ऐसा जातक देवी देवताओं मेहमानों और बड़ों का सम्मान करता है, उसे पत्नी और यौन सुख दोनों प्राप्त होते हैं, ये तो शुक्र की करैक्टरिस्टिक है, तो पत्नी और पुत्र आप कह सकते हैं कि इसको दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक राजा की कृपा से, आजकल तो राजा है नहीं, ये जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी या जो हमारे ऋषि महाराजों ने लिखी थी तब अगर किसी को कुछ चीजें मिलती थी तो बड़े अमीर धनाढ्य या उस बंदे से मिलती थी जो बहुत राजा की तरह रहता है, आजकल तो राजा आपका जो बॉस है वो भी राजा ही माना जाएगा। तो यानी एनी सुपीरियर पर्सन एट योर वर्किंग प्लेस कैन हेल्प यू। वीनस नवम भाव में वैसे तो अच्छा नहीं माना गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें तो ऐसे जातक को जैसे लॉ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी का काम करना पड़ता है और वीनस को चाहिए मटेरियलिस्टिक गेन या मटेरियल गेन, उसको प्यार चाहिए लग्जरी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लॉ से चलो रिलीजन को फॉलो करो स्पिरिचुअल रहो, और वीनस कहता है मुझे तो गेन चाहिए हर प्रकार की मटेरियलिस्टिक और लव चाहिए लग्जरी चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र अपने आप को इरिटेटेड फील कर सकता है, मतलब बाउंड्री के अंदर बंधा हुआ फील कर सकता है, लेकिन अगर वो दोनों में समीकरण बिठाए तो उसके लिए ये पोजिशन भी अच्छी बन जाती है। ऐसा भी देखा गया है शुक्र अगर नवम भाव में बैठा हो तो जातक या तो किसी लड़की से अगर अपने घर में शादी करता है तो लड़की दूर की हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि वो आउटसाइड अपने रिलीजन या कल्चर से भी शादी कर सकता है। यदि शुक्र दसवें भाव में हो तो जातक मुकदमों में सफलता अर्जित करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका शुक्र दसवें भाव में बैठा हो तो जाके मुकदमे कर लो और आप जीत जाओगे, लेकिन एक कहने की बात है कि जब भी कोई कंपटीशन की बात होगी, जब भी कोई आपसे फाइट करेगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लड़ाई होगी उसमें आपको सुख मिल सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और ये सुख आपको खाली सुख मतलब मान धन प्रसिद्धि के नाम पे मैं कह रहा हूँ या नॉलेज के फॉर्म में कह रहा हूँ, ये सुख प्लेजर वाला सुख नहीं कह रहा हूँ। ऐसा अगर जो जातक है दसम भाव में जिसका शुक्र बैठा हो तो वर्किंग प्लेस पे उसको बहुत फीमेल मिलती है, अगर वो उन सब चीजों से ये इस टाइप के रिलेशन बनता है तो उसके काम पे बहुत गलत असर पड़ता है, खासकर जब शुक्र
तुला सिंह या मिथुन में हो तो जातक को अपनी क्रिएटिविटी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र तुला सिंह और मिथुन राशि में वो आदमी को बहुत क्रिएटिव बनाता है, उसका इंटरेस्ट बहुत रहता है। ऐसा जातक फिर वर्किंग प्लेस पर अगर अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा तो उसको बहुत राइज मिल सकता है। अगर हम अब देखें शुक्र ग्यारहवीं एकादश भाव में, तो जातक जो है धनवान होता है, उसके पास नौकर भी होते हैं, परंतु ऐसा जातक हो सकता है कि दूसरों की पत्नी से संबंध बनाए, इस वजह से इसका डाउनफॉल भी हो सकता है। इसे हर तरह का सुख मिलेगा, सभी प्रकार के कष्ट से इसको मुक्ति भी मिलती है, क्योंकि इलेवंथ हाउस जो है वो हाउस ऑफ गेम्स है, तो इसको हर प्रकार की गेम, कैसे मटेरियलिस्टिक गेम, इसको लिक्विड कैश, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। यदि शुक्र बारहवें भाव में हो तो जातक आलसी, किसी नैतिक दृष्टि से पतित, शुद्ध भोजन करने वाला, सोने के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाला, सही चारक रखने वाला, स्त्रियों पर विजय पाने वाला होता है। आप ओवरऑल ये कह सकते हैं ऐसा जातक अमीर और प्रॉस्परस होता है, यानी रिच एंड प्रॉस्परस लाइफ को लीड करता है, तो हम कह सकते हैं। बट इन सब चीजों के साथ हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे शुक्र अगर बारहवें भाव में बैठा हो तो ये बंदे को बैड प्लेजर की तरफ इतना आकर्षित कर देता है कि इसके बाकी औरतों के साथ संबंध बन सकते हैं। अगर इन्हीं सब चीजों पर वो विजय पाके, स्पिरिचुअल लीडर की तरह काम करे, राइटर करे, आप कह सकते हो साइकोलॉजिस्ट, या आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिस्ट की तरह काम करे, तो और दूसरों की हेल्प करे, उनको हील करे अपने घर से और अपने घर से बाहर, तो ऐसे जातक को बहुत सफलता मिलती है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर तीन चार्ट लगा रखे हैं। पहला चार्ट एक बहुत ही सेलिब्रिटी का है, ये बारहवें भाव का शुक्र, जैसा मैंने अभी अभी किया है, बारहवें भाव का शुक्र बहुत सी औरतों के साथ संबंध बताता है, साथ में मंगल भी बैठा है, ये बाद में अलग बताऊंगा, लेकिन शुक्र होने से चांसेस हो गए कि इसके अपोजिट सेक्स के साथ इसके बहुत सारे रिलेशन होंगे, और इस रिलेशन होने की वजह से इसके इम्पैक्ट, क्योंकि ये सैटर्न की राशि में बैठा है, चंद्रमा सैटर्न की राशि में, शुक्र अपने आप को अच्छा फील करता है और मंगल यहाँ पे अपने आप को उच्च है, इससे प्रोफेशन में तो फायदा होगा, लेकिन जो ओवरऑल रेपुटेशन है वो डाउन इसी वजह से होगी। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बिग सेलिब्रिटी का चार्ट है। ये चार्ट देखिए, इसमें सिक्स हाउस में मैंने बोला था कि जातक को मतलब शुक्र की चीजों से मतलब कमी रहती है, ये एक लड़की का चार्ट है और इसकी मैरिज कभी भी नहीं हुई, और ये तीसरा चार्ट भी एक लड़की का चार्ट है और इसकी इसमें लड़ाई अवश्य थी लेकिन इसकी डाइवोर्स भी हो गया। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि जब एक छः और नौ का मैंने पर्टिकुलरली बोला था, लेकिन एक छः और बारह का मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा जो आपको नॉलेज शेयर की जा रही है, यानी जो मुझे आता है मैं वो वही शेयर कर सकता हूँ, आपको वो पसंद आ रहा होगा, आपको वो यूज भी हो रहा होगा, क्योंकि अगर आपको यूज होगा, उसका उपयोग होगा, तभी मेरा ऐसा नॉलेज आगे देने का फायदा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके सहयोग से ये चैनल एक सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो अंत में जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।